अगर अच्छे सिटीज से अगर स्टडी करते हो, वहाँ पे आई टी कंपनी वगैरह है तो बहुत हेल्प मिल जाएगा आपको इंटर्नशिप लेने में। ऐसे आप गूगल पे नंबर सर्च मारोगे तो किसी थर्ड पार्टी का मिलेगा, वो आपको अच्छा बताएगा, खराब बताएगा, काफ़ी सारे कॉलेज के बारे में बताएगा, कंफ्यूज करेगा। लोग तो मैनेजमेंट कोटा के लिए 1-1.5 लाख में जेल बजाज में एडमिशन करवा देते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आईलैम यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। देखो, इस कॉलेज के बारे में आप सभी ने बहुत डाउट पूछा है मेरे व्हाट्सअप से लेकर के, कमेंट सेक्शन से लेकर के, क्योंकि लास्ट ईयर है ना, मैंने एक वीडियो बनाया था, कैंपस टूर किया था, वहां से जाके स्टूडेंट से भी बात किया था, तो वहीं से काफी ज्यादा स्टूडेंट हमारे पास इंक्वायरी कर रहे होते हैं भैया आईलैम के बारे में एक रिव्यू लेके आ जाओ। तो फाइनली आईलैम यूनिवर्सिटी के ऊपर ऑनेस्ट रिव्यू है, जिसमें आप लास्ट तक देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि कॉलेज आपके लिए सही है कि नहीं, और कॉलेज का क्या प्लेसमेंट है, क्या यहाँ पे फी रहता है, और क्या कॉलेज कंसीडर करना चाहिए बीटेक सीएससी के लिए नहीं, और ये कॉलेज बीटेक सीएससी कब तक प्रोवाइड करेगा, कॉलेज का जो 1.6 एलपीए का आप लोग देखते होंगे कि जो मिनिमम पैकेज है, एवरेज पैकेज है, वो सब के ऊपर भी हम इन डेप्थ बात करेंगे, गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, सारा कुछ देखेंगे। तो वीडियो में पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे कई सारे कॉलेज का और भी ऑनेस्ट रिव्यू लेके आने वाला हूं, प्लस काउंसलिंग के ऊपर भी बहुत सारा वीडियो मेरा अभी रेगुलर बेसिस पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आईलैम के बारे में बात करूं, देखो आईलैम का है ना काफी पुराना ग्रुप है, आईलैम ग्रुप बोलते हैं इसको, 1993 का ये ग्रुप है, जिसके अंदर 5 कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, इस कॉलेज की बात करूं तो जो ग्रेटर नोएडा कैंपस है पहले AKTU के थ्रू अफिलेटेड था, ठीक है, अभी ये खुद का ऑटोनोमस बॉडी बन गया है। ये आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा गुड़गांव कैंपस है, इसलिए मैंने दोनों को लिखा है यहाँ पे क्योंकि दोनों बीटेक के लिए काफी फेमस है। तो इस कॉलेज के कैंपस की बात करूँ तो 5 कैंपस है, एक कैंपस आपको देखने को मिल जाएगा ग्रेटर नोएडा में, दूसरा कैंपस है इनका गुड़गांव के अंदर, तीसरा जो कैंपस है आपको लोधी रोड दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे MBA PGDM काफी अच्छे से कराई जाती है, चौथा जो कैंपस है आपको जयपुर के अंदर, और पांचवा कैंपस जो है लखनऊ के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो 2 कैंपस का हमने लिखा हुआ ILM ये ग्रेटर नोएडा है, और ये ILM गुड़गांव, ये दोनों बीटेक के लिए काफी अच्छा माना गया है। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं ILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के ऊपर, इस कैंपस में कई बार मैं गया हूँ, काफी सारे स्टूडेंट से भी मिला हूँ, उसका भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर लोकेशन की बात करो तो ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 के अंदर लोकेटेड है, जो कि एक IT हब माना जाता है, यहाँ पे काफी सारे IT कंपनी है, उसके ऊपर हम आगे में बात करेंगे। यहाँ पे रूट की बात करूँ, देखो गाजियाबाद मेट्रो स्टेशन आओगे तो यहाँ से 31 किलोमीटर है, वहाँ से कैब बुक करके आ सकते हो या फिर खुद के गाड़ी से भी आ सकते हो। मेट्रो स्टेशन देखोगे नॉलेज पार्क 2 का मेट्रो स्टेशन है, प्लस पड़ी चौक का भी एक मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा, वहाँ से आपको इजीली ऑटो मिल जाता है। जो नॉलेज पार्क 2 का मेट्रो स्टेशन है वहाँ से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पैदल भी जा सकते हो, प्लस ऑटो भी बहुत इजीली मिल जाता है, 10 से 20 रुपये आपको लगेगा वहाँ से जाने का। अगर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से बात करो तो 52 किलोमीटर है, आपको इजीली कैब वगैरह मिल जाता है, जहाँ से जाने आने की कोई इशू है नहीं, प्रॉपर मेट्रो से कनेक्टेड है, मेट्रो सिटीज भी बोलते हैं नोएडा और दिल्ली NCR को। नेक्स्ट हम बात करें कॉलेज का अफिलिएशन एक्रेडिटेशन, तो कॉलेज UGC के थ्रू इनको अप्रूवल मिला, इसलिए इसको ऑटोनोमस हम लोग बोलते हैं, और इसलिए ILM के बाद यूनिवर्सिटी लगता है। ठीक है, AICT के थ्रू अप्रूव्ड है, AI के थ्रू अप्रूव्ड है, MBA मिला हुआ है इनको। अगर कोर्सेज ऑफर की बात करूँ तो देखो ग्रेटर नोएडा कैंपस में भी बीटेक सीएससी हो गया, बीटेक सीएससी काफी सारे ब्रांच है, प्लस MBA भी कराया जाता है यहाँ पे। देखो ILM को है ना बहुत सारे लोग ऐसे जानते थे, ILM MBA के लिए फेमस है, देखो काफी पहले है ना MBA बहुत अच्छा यहाँ पे होता था, उसके बाद बीटेक यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, बीटेक बहुत अच्छा यहाँ पे कराना स्टार्ट कर दिए, और इन्होंने कैंपस को शिफ्ट करके लोधी रोड में कर दिया, जहाँ पे MBA और PGDM काफी अच्छा अभी भी कराया जाता है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होता है, क्योंकि बहुत लोग है ना ग्रेटर नोएडा से पहले पढ़ाई किए होते हैं, किसी के भैया हो गए कि या फिर किसी के पेरेंट्स हो गए, तो वो बोलते हैं कि वो तो MBA का कॉलेज है, बट अभी यहाँ पे CSE थोड़ा ठीक ठाक कराया जा रहा है। अगर बीटेक सीएससी की बात करो तो 4 साल का एक कोर्स है इसके अंदर, अगर एक और कोर्स यहाँ पे काफी फेमस है IBM के साथ इनका कोलैबोरेशन है, और एक एप्पल के साथ इनका कोलैबोरेशन है, उसके बेसिस पे देखोगे आगे हम बात करेंगे, दोनों में फी में काफी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। फूड टेक्नोलॉजी की बात करो या फिर बायोटेक्नोलॉजी की बात करो, ये सब भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉलेज का फी, बीटेक सीएससी का फी देखोगे तो 184 है पर ईयर का, ठीक है, और बीटेक सीएससी भी स्पेशलाइजेशन भी देखोगे तो सेम फी रहने वाला है। तो कोलैबोरेशन विद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर IBM के साथ कोलैबोरेशन है, ठीक है, प्लस एप्पल के साथ भी इनका सर्टिफाई लैब है, जो कि कैंपस के अंदर ही देखने को मिल जाता है। तो ये सब का जो आपको फी देखने को मिलेगा 234 पर ईयर का है, तो फी थोड़ा सा बढ़ने वाला है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोड ऑफ एडमिशन के बारे में, देखो अगर आप 12th पास आउट हो, ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स के साथ, तो यहाँ पे आप बीटेक सीएससी या फिर अदर ब्रांच ले सकते हो एडमिशन। अगर बायो है आपके 12th के अंदर, तो बायोटेक्नोलॉजी हो गया और या फूड टेक्नोलॉजी के अंदर जा सकते हो। एग्रीगेट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर आपको अभी 55 प्लस पे मांग रहे हैं, आफ्टर सम टाइम ये 60 प्लस कर देते हैं, जैसे काउंसलिंग भी अदर कॉलेज का स्टार्ट होगा, एडमिशन बंद होना स्टार्ट होते हैं, तो इनका धीरे धीरे क्राइटेरिया बढ़ता रहता है, लेकिन मिनिमम जो होना चाहिए वो 50% आपका होना चाहिए। अगर प्लेसमेंट की बात करो तो यहाँ पे जो एवरेज प्लेसमेंट रहता है वो 6 से 7 लाख का रहता है, ठीक है। अगर कुछ रिक्रूटर्स की बात कर लूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो KPMG हो गया, डेलॉइट हो गया, ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पे देख सकते हो। अगर यहाँ पे आप ग्रेटर नोएडा प्लेसमेंट सर्च करोगे, बीटेक एवरेज पैकेज सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ से 5 से 6 लाख का आपको यहाँ पे दिखाएगा। एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ, थोड़ा सा ये डिजिटल मार्केटिंग का बात है,
जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखता है, ये तो फिर भी डेस्कटॉप पे देख रहे हो तो थोड़ा सा छोटा दिखेगा, बट फोन में ना काफ़ी लाइनिंग ले लेता है, ठीक है। तो ये है कि किसी भी कॉलेज को आप सर्च कर रहे हो, अगर ऊपर में कुछ दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जैक्ट सेम है, गूगल बता रहा है मतलब सेम है, ये नहीं है। इसका सोर्स देखो कि ये सोर्स कहाँ से आ रहा है। कॉलेज दुनिया एक वेबसाइट है, वहाँ के थ्रू ये डेटा फैच करके ऊपर में दिखा रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी दिखा सकता है, हो सकता है ये रियल भी हो सकता है, हो सकता है ये फेक भी हो सकता है, ठीक है। अगर नीचे देखोगे तो जैसे शिक्षा का देखोगे, शिक्षा वाले में बहुत बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि भैया यहाँ पे इनका जो प्लेसमेंट का स्टैटिक दिखाता है, जैसे यहाँ पे प्लेसमेंट में मैं क्लिक करूँ तो इनका प्लेसमेंट कुछ टाइम पहले का ये डेटा है 2.7 मिलियन पैकेज। देखो सबसे पहले ये बात बता दूँ, ये जो भी थर्ड पार्टी वेबसाइट है, थर्ड पार्टी जैसे कॉलेज दुनिया हो गया, शिक्षा हो गया, ऐसे काफ़ी सारे वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर जो भी डेटा है ये ऑथेंटिक वेरीफाइड नहीं होता है। ये सब जस्ट एक कंटेंट राइटर होता है जो ये सबको लिख रहा होता है। इस कॉलेज की मैं जनरल सभी कॉलेजेस की बात बता रहा हूँ, जो भी कॉलेज देख रहा हूँ ना, एज इट इज सेम हो ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब चार वेबसाइट पर देखोगे चार तरह का डेटा देखने को मिलेगा, जैसे अभी आप देख रहे थे, अभी यहाँ पे देखो एवरेज पैकेज यहाँ पे 8.6 लाख का दिखा रहे हैं, मतलब कुछ भी, कॉलेज भी इतना क्लेम नहीं करता है। बट एक्चुअल की बात करूँ देखो एवरेज प्लेसमेंट 5-6 लाख ही रहता है, बहुत हाई आपको यहाँ पे प्लेसमेंट भी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो प्लेसमेंट की बात करूँ ना, ये टोटली डिपेंड करता है कि स्टूडेंट के ऊपर, आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, एक IIT NIT जा रहे हो, फिर प्राइवेट कॉलेज के अंदर जा रहे हो, फिर काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हो, किसी भी कॉलेज में जाओगे आपको अभी तक जो एलिजिबल थे उसके बेसिस पर एडमिशन तो मिल गया, बट कॉलेज के अंदर जो भी फैकल्टी आपको जो भी रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जो भी चीज़ें आप क्लासेज में कराई जा रही है, उसको कितना अपडेटेड हो, कितना स्किल्स आप सीख रहे हो, उसके ऊपर ही प्लेसमेंट वैरी करता है, ठीक है। तो इससे भी बिल्कुल बेफिक्र रहना कि कॉलेज बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा प्लेसमेंट में, कोई सा भी कॉलेज हो, करना आपको खुद ही है, उसी के बेसिस पे प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा बच्चे कन्फ्यूज होते थे, तो इसमें नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि डेटा इसमें एग्जैक्ट होता नहीं है। ठीक, कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जरूर विजिट करना एक बार, जो भी इन्फॉर्मेशन है ये लोग ठीक है थोड़ा बहुत बढ़ा के तो लिखते ही हैं, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे 400+ कंपनीज आती है कैंपस के अंदर, ये तो सच है, वहाँ पे जो भी स्टूडेंट अभी स्टडी कर रहे हैं बताते हैं। हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ पे देखोगे 20 LPA का गया हुआ है, एवरेज पैकेज की बात करोगे तो 8.6 का ये भी देख रहे हैं, ठीक है, बट 8.6 नहीं है, 5-6 ही है, आप इतना समझ के चलना, ठीक है। 30+ पुराना कॉलेज है, 26 एकड़ का कैंपस के अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे तो बिल्डिंग जो भी बने हैं ओल्ड स्टाइल में बने हुए हैं, ठीक है, बाहर से लगेगा खंडर टाइप का, अंदर जाओगे तो काफ़ी लग्जरियस कैंपस आपको देखने को मिल जाएगा अंदर का जो भी बना हुआ है। एक चीज़ और भी है, यहाँ पे मैंने क्लास में विजिट किया था, वहाँ पे हर रूम के अंदर 2-3 AC लगे हुए हैं, तो इस चीज़ का आपको टेंशन नहीं लेना हो, गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। क्लासरूम इस तरह का बना हुआ है, बाकी कैंपस टूर मैं करूँगा फिर से रिसेंट में, तो उस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हो, ठीक है, जो भी फैसिलिटी होने चाहिए वो सब देखने को मिल जाती है। अगर स्पोर्ट्स की बात करो तो जो भी स्पोर्ट्स होने चाहिए, ठीक है, जैसे बाहर क्रिकेट ग्राउंड की बात करोगे, फुटबॉल ग्राउंड हो गया, बास्केटबॉल ग्राउंड हो गया, इनर गेम की बात करो तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फेस्ट की बात करो, फेस्ट में थोड़ा सा लो है, बट फिर भी फ्रेशर्स पार्टी हो गया, फिर एक मेजर फेस्ट जो होता है वो हो गया, प्लस छोटे छोटे जो हैकथॉन हो गया, फिर छोटे छोटे लेवल पे कंपटीशन होता है, वो सब तो चलता ही रहता है कॉलेज के अंदर। तो देखो कॉलेज का फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा फेस्ट पे आपको नहीं कंसंट्रेट करना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर अच्छा कर लोगे तो उसी के बेस पे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का आपका CGPA बनना है। तो ट्राई करना कि थोड़ा पढ़ाई पे भी फोकस करो अगर ये सब कॉलेज के अंदर जा रहे हो तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो प्रोज एंड कॉन्स है, जो सभी कॉलेज का जो ऑनेस्ट रिव्यू बनाता है उसमें प्रोज एंड कॉन्स दोनों इंक्लूड रहता है। देखो कॉलेज के जो स्टूडेंट है उनसे बात करके जो मुझे फीडबैक लगा, ठीक है, और थोड़ा मैं भी रिसर्च किया हूँ इन डेप्थ जा करके, तो यहाँ पे ये चीज़ अच्छा लगा। प्रोज के अंदर देखोगे ये IBM के साथ कोलेशन है, इसका स्टूडेंट को बहुत हेल्प मिल जाता है, जिसका थोड़ा सा बजट ठीक ठाक है वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। एप्पल के थ्रू इनका सर्टिफाइड लैब है जो कि कैंपस के अंदर ही देखने को मिल जाता है। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में ये इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ थोड़ा सा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि देखो अभी के टाइम पे इंटर्नशिप हो गया, इंटर्नशिप जब तक नहीं करोगे है ना एक आइडिया नहीं लगेगा आपको, ठीक है, और ये चीज़ है ना आपको प्लेसमेंट में बहुत हेल्प करता है। तो किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, अगर कॉलेज नहीं दे रहा है तो खुद से हाथ पर मार करके है ना इंटर्नशिप के लिए जरूर ट्राई करना कि आपको इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में अच्छे लेवल पर करो। फोर्थ ईयर में तो मैंडेटरी होता है, थर्ड ईयर में मैंडेटरी होता है, फोर्थ ईयर में आपको प्रोजेक्ट बनाना रहेगा। अगर मैं बात करूँ फोर्थ यहाँ पे जो प्रोज है कि लोकेटेड इन IT सेक्टर, देखो एक चीज़ मैं भी सभी स्टूडेंट को बताता हूँ, किसी भी कॉलेज में जाओ वो डजेंट मैटर, आपको जो अच्छा लग रहा है या फिर जो भी, मैं कॉलेज अभी और भी कई सारे गेट नोएडा के कॉलेज के बारे में बताने वाला हूँ कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो, बट अगर अच्छे सिटीज से अगर स्टडी करते हो, वहाँ पे IT कंपनी वगैरह है तो बहुत हेल्प मिल जाएगा आपको इंटर्नशिप लेने में, प्लेसमेंट लेने में, प्लस एक नेटवर्क बिल्ड करने में, ठीक है। फैकल्टी की बात, कोई क्वालिफाइड फैकल्टी है, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो इजिली बताते हैं। कैंपस लाइफ थोड़ा सा चिल है, काफ़ी अच्छा कैंपस लाइफ है, अदर कॉलेज जैसा
नहीं है कि बहुत हेक्टिक है 9 बजे और शाम में जाओ एज ए कोचिंग टाइप का। काफ़ी सारे कॉलेज है जैसे यहाँ पे जीएल बजाज वगैरह हो गया, काफ़ी यहाँ पे स्ट्रिक्ट रहता है सब कुछ, ठीक है। तो उतना स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट भी आप यहाँ पे कर सकते हो। प्रॉपर मेंटरशिप एक प्रोग्राम चलता है इनका, जो मेंटर्स असाइन होता है आपके फर्स्ट ईयर से लेकर के फोर्थ ईयर तक, तो आपको टाइम टू टाइम आपसे कनेक्ट में रहते हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम हो रही होती है उसको सोल्यूशन निकालो। कौन सी बात करो तो यहाँ पे थोड़ा लिटिल बिट क्राउड देखने को मिल जाएगा। देखो एक क्राउडेड होता है जहाँ पे 10,000, 12,000, 15,000 बच्चे जा रहे होते हैं सीएससी के अंदर। ऐसे मैं यूनिवर्सिटी का नाम अभी इस वीडियो में नहीं लूंगा, काफी ज्यादा उसके ऊपर हमने बता दिया बच्चों को, ठीक है। तो वैसे यूनिवर्सिटी में जाने में प्रॉब्लम होती है कि प्लेसमेंट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखो 7 से 8, 10 राउंड तक वहाँ पे प्लेसमेंट का इंटरव्यू चलता है, तो उसमें थोड़ा सा वो होता है। बट आईएलएम की बात करूँ तो यहाँ पे भी इस साल देखोगे लगभग 1,000 से 1,200 बच्चे बीटेक के अंदर रहने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत तो क्राउड का फेस करना पड़ेगा। क्योंकि देखो आईएलएम तभी आप जा रहे हो जिसमें जेई में बहुत अच्छा परसेंट नहीं लेके आ रहे हो, बहुत टॉप का कॉलेज नहीं मिल रहा है, काउंसलिंग से बहुत अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे, फिर आप आईएलएम को सिलेक्ट करो, ठीक है। क्राउड बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत कंपटीशन तो रहता ही रहता है। अगर फी की बात करो तो फी थोड़ा सा हायर देखने को मिल जाता है, काफी सारे स्टूडेंट फी के वजह से आईएलएम को सिलेक्ट नहीं कर पाते। हॉस्टल फी यहाँ पे काफी ज्यादा है, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटी बहुत बेस्ट देते हैं, हॉस्टल का मेस काफी लग्जरियस है, बट कुछ स्टूडेंट जो एवरेज रहना चाहते हैं 1,00,000 तक हॉस्टल बाहर में मिल जाता है, वैसे स्टूडेंट को कैंपस के अंदर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लगभग 1,50,000 के आसपास कॉलेज के हॉस्टल का फी आपको देखने को मिल जाता है। ओल्ड स्टाइल आपको कैंपस मिल जाएगा जो कि आउटर से देखने में लगता है, बाहर से अगर रोड साइड से देखोगे लगेगा कौन सा कॉलेज है, अजीब सा ना कॉलेज के ऊपर है ना पुट्टी होगा ना प्लास्टर बोलते हैं उसको, वो भी नहीं है, बट अंदर से है ना वो एक कॉलेज का थीम होता है, हर कॉलेज का अपना अपना थीम होता है पेंटिंग का डिजाइनिंग का, तो ये कॉलेज का थीम है उस तरह का। अंदर से जाओगे तो काफ़ी लग्जरियस है। तो कॉलेज के बारे में काफ़ी सारे र्यूमर्स फैलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ MBA का है या फिर सिर्फ लॉ कराए जाते हैं। देखो कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से नंबर लो, डायरेक्ट कॉलेज के टीचर से फैकल्टी से बात करो, जो भी वहाँ पे काउंसलर है उनसे बात करो। ऐसे आप गूगल पे नंबर सर्च मारोगे तो किसी थर्ड पार्टी का मिलेगा, वो आपको अच्छा बताएगा खराब बताएगा, काफ़ी सारे कॉलेज के बारे में बताएगा, कन्फ्यूज करेगा। कुछ लोग तो मैनेजमेंट कोटा के लिए 1,00,000, 1,50,000 में जीएल बजाज में एडमिशन करवा देते हैं, तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड यहाँ पे देखने को मिलता है ग्रेटर नोएडा के अंदर। देखो ग्रेटर नोएडा में ना 30-35 कॉलेजेस है, ठीक है, सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन कुछ कॉलेज है जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, बहुत टॉप का तो ऐसे भी आपको नहीं मिलेगा अगर रैंक आपका थोड़ा सा लो है तो, ठीक है। बट आईएलएम में बहुत ज्यादा इशू नहीं है, आपको सीएससी ब्रांच मिल सकता है। अब कब ये वीडियो को देख रहे हो, कब आप ट्राई कर रहे हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से एक फॉर्म फिल कर लो, डायरेक्ट एडमिशन का एक फॉर्म है, वहां से करोगे तो आपको डायरेक्ट कॉलेज मैम या फैकल्टी का वहां का नंबर मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट उनसे बात करके है ना जो भी आपके डाउट्स है उसको सॉल्व कर सकते हो। तो यही है आईएलएम का कंप्लीट डिटेल, बाकी आपको कोई भी डाउट रहता है आपको व्हाट्सएप का नंबर नीचे मिल जाएगा, प्लस दो फॉर्म है, एक डायरेक्ट एडमिशन का फॉर्म है और एक आपको कोई भी गाइडेंस सपोर्ट चाहिए काउंसलिंग के अंदर या फिर कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है उस फॉर्म को फिल कर लो। देखो व्हाट्सएप पे मैसेज करने से अच्छा है कि फॉर्म फिल कर लोगे आपको जल्दी रिप्लाई मिलेगा, व्हाट्सएप पे एक बार में 100-200 बच्चे का मैसेज आता है, सबको रिप्लाई करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि फॉर्म फिल करो और फॉर्म से जो भी आपके डाउट्स है मैं आपको खुद से कॉल करके, प्लस हमारी टीम भी है कुछ वो लोग भी कॉल करके आपके जो भी डाउट्स होगा उसको सॉल्व करने का ट्राई करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी कौन से कॉलेज का ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए, इन डेप्थ वीडियो चाहिए उसके बारे में आप लिख सकते हो कमेंट करके, मैं ट्राई करूंगा उस पर बहुत जल्दी वीडियो लेके आने का। थैंक यू सो मच वीडियो को यहां तक देखने के लिए।